यहाँ पे मूंग दाल और गोविंदभोग राइस शॉर्ट ग्रेन जो फ्रेग्रेंस वाला राइस है इसको जस्ट हल्का सा रोस्ट करके हल्दी और नमक दे के जस्ट बॉयल करने के लिए दिया है। गार्लिक को जस्ट क्रश करके और ब्लैक पेपर बॉयल होगा, मतलब जैसा खिचड़ी बनता है ना वैसा वाला। ये इस तरह से हो गया, पॉट जो है वो चेंज किया क्योंकि नीचे लग रहा है। और इसमें सिर्फ सूखी मिर्च और घी, जब लहसुन दिया था उस टाइम पे थोड़ा सा कूट के जीरा भी डाल सकते। इसमें हड़बड़ी में और एक चीज भूल गई, जब मैं ब्लैक पेपर देती हूँ उस टाइम पे थोड़ा सा कूट के जीरा, कच्चा जीरा कूट के देने से रोस्ट नहीं है, और छौंक में मैं जीरा नहीं डालती हूँ, वो अलग टेस्ट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अरे देखो मैंने इसको यहाँ पे टांग के रखा है क्योंकि ये वो मिट्टी खोदने के लिए यूज होता है ना, तो धोके यहाँ पे ईजी होता है। बाहर बालकनी में निकलूँ लेकिन मच्छर है क्योंकि सुबह सुबह ना मच्छर रहता है। देखो स्वीटी स्वीटी यहाँ पे आके सो गई क्योंकि मैं उठ गई बस, आते ना तैयार हो रहा है अभी ऑफिस के लिए, तो लाइट जला कर फिर वो सो जाए आराम से। तो ये दरवाजा थोड़ा सा बंद करके रख। ये वो खिचड़ी और इसमें है अंडा, ब्लैक पेपर, सॉल्ट देख के। आज तीन ही है क्योंकि आज आलू भाजा बनाना था, उसके बाद सातों वाला लेट हो गया, छोड़ो। इसमें सिर्फ ये वाला टिफिन आता है और इसमें पॉपकॉर्न और ये आलमंड्स और किसमिस भिगोया हुआ जो आलमंड्स है, इसमें अनार क्योंकि आज एक ही फल है, नॉर्मली दो फल रखे जाते हैं। ये बैग में पानी का बॉटल वगैरह और छोटा टिफिन, इस तरह से भारी है बहुत ज़्यादा। आप में से जो नया है उनको पता नहीं रहेगा, शांतनु अभी डेंगू से जस्ट रिकवर कर रहे हैं, तो एक्चुअली उसको ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ज़्यादा भारी वाला काम जैसा गाड़ी चलाए थे लेकिन थोड़ा सा थकान हो रहा था, सीढ़ी में चढ़ना वो भी थकान हो रहा है, इसीलिए मैं हर रोज छोड़ने जाती हूँ उसे। सुबह सुबह लाल छुट्टी सो रही है, अंधेरा है पूरा घर, तो वही सामने ऐसे सुबह के इधर का क्या नजारा एकदम खाली है। तब तक मैं थोड़ा सो लिया, कैब ले लिया, और ऐसा ड्राइवर साला सावधान मिल जाए ऑफिस जाता जाता मुंबई के हिसाब से पगार दो पूरा दिन का कितना लेता है ड्राइवर, अगर जॉब मिल गया ना अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। वाह क्या वेदर है मैत्री, चलो लेफ्ट मत लेना, फ्लाईओवर में जाना, गुजरात जा रही हूँ। चलो थैंक यू मैडम फॉर योर सर्विस, बाय। तुम्हारा सर्विस में सिर्फ मैं ही आ सकती हूँ, चल ऑफिस चलना। हाँ हाँ जा। शांतनु तक अपना झोला बैग लेगा, तो झोला उठा के चले। अभी दो दो बैग हो रहा, पहले एक ही बैग था। लिविंग रूम का बालकनी में पानी देना तो हो गया, उसके बाद सोचा घर भी समेट लूं क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, रात को तो करके रखते लेकिन ये सब थ्रो वगैरह स्वीटी ने यूज किया था रात को फिर से, तो वही अभी क्योंकि घर ठीक ना रहे तो दिमाग भी ठीक नहीं रहता, और मैं ना इस तरह से देख लेती कहीं पे क्या है, मतलब जो जिस जगह पे रहना चाहिए वो रहना चाहिए। और सुबह सुबह किचन का जो भी काम होता है जैसा बॉयल पानी करने देना, और जो किचन का पानी होता है वो पैसेज में रहता है, वहाँ पे पानी भर के, मतलब मेरा एक घड़ा है वो घड़ा में पानी भर के रख देती हूँ, और यहाँ पे जो बाल्टी है इसमें भी रख देती हूँ। सुबह सुबह जो किचन का पानी यूज होता है सब मैं यहाँ का भर के रख देती हूँ, पहले किचन पे रख देती हूँ, वो अपना सही नहीं है तो ये जगह क्या करें। Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eye. पानी ना मैं रोज नहीं देती हूँ, एक दिन बाद बाद देती हूँ, धूप तो इधर आता ही नहीं है इसीलिए मिट्टी थोड़ा मस्त रहता है, जैसे यहाँ पर जितने में रोज देना पड़ता है। इसको नीचे रखा था, नीचे रखने से वो दिखने में सुंदर, नया पत्ता निकला है ये देखो, एक नया पत्ता। ये जो दो मैट है ना पीला पीला है, तो एक साथ दे दूंगी, वो देखो वो सारे धो के आया जो सोफा के ऊपर था ना, मैं ये सारे सब वॉशिंग मशीन में धोती हूँ क्योंकि ये सब अगर ड्राई क्लीन करने दोगे ना बहुत प्राइस लेता है, तो जो अगर एक का 200 लेगा उसका प्राइस भी 200। इसमें मैं पाउडर डालती हूँ, पाउडर का डब्बी मुझे इतना शौक से मैंने खरीदा था लेकिन चारों तरफ जंग लग गया, अभी क्या करे है तो है इसलिए हटाया नहीं, नीचे भी जंग लग है, इतना शौक से मैंने लिटरली खरीदा था क्योंकि अच्छा रहता है ना देख के। पहले तो मेरा प्लास्टिक का डब्बी था जैसे नॉर्मल होता है, थैंक यू हमें सर्विस देने के लिए। वॉशिंग मशीन 7 kg का है, मैं नेक्स्ट टाइम तो 10 kg का खरीदूंगी क्योंकि वो कारपेट धोना होता है, मेरा सारे कारपेट मैं उसी में धोती हूँ। हाँ जैसे वो लिविंग रूम का बड़ा वाला थोड़ा जूट के साथ सिल्क मिक्स है वो उसके अंदर आया क्या भी नहीं, इसको तो ड्राई क्लीन में देना ही पड़ेगा। वो तुम जगे हुए हो ना, बोला ना 2 मिनट में उठती हूँ, 2 मिनट में स्कूल छुट्टी है मजा कर लो, 2 दिन में स्कूल खुलने वाला है, ओ उठो उठो। शांतनु का ऑफिस जब सुबह सुबह जाती हूँ ना
8:30 बजे तब ट्रैफिक नहीं रहता, 10 बजे के बाद मुंबई का असली ट्रैफिक 10 बजे के बाद शुरू होता है। 45 मिनट्स में आना जाना हो गया मेरा। नॉर्मली अगर आप 10:30-11 बजे जाओगे ना, क्योंकि वही ऑफिस टाइम है, ये नॉर्मली शांतनु का ऑफिस थोड़ा जल्दी है, अभी क्या करें। एक्चुअली थोड़ा लेट करके मतलब जाने से अच्छा लगता है, सुबह में उतना हड़बड़ी नहीं होता। अब मेरा सुबह में इतना हड़बड़ी रहता। हर घर का एक कहानी होती है, जैसे सबके घर के अलग अलग कहानी होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन से लेकर सब कुछ ही अलग होता है, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें सिमिलर होता है। जैसे ये दूध बॉयल करने देना, सबके घर पे ये दूध ऑलमोस्ट सुबह ही बॉयल होता है, किसी का टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये एक चीज़ जो हर घर को एक अलग तरीके से जुड़ता है। और यहाँ पे मैं बेसन को निकाल के रख रही हूँ, बेसन खत्म हो गया था। हेलो, पकौड़ा बनाए ना, बस थोड़ा सा जो निकाल के रख दो, मंगवाना भी पड़ेगा। विंटर के टाइम बेसन थोड़ा यूज होता है, कड़ी अगर पकौड़ा वो सब बनता है। फ्रिज में इस तरह से नीचे टिश्यू दे के जो लेमन वगैरह रहता है ना, तो वो रख देती हूँ। प्लास्टिक में रखती हूँ, पहले कांच का रखती थी, लेकिन ये जो ड्रायर है ना, मतलब इजिली खुल के निकल जाता है। स्वीटी निकालने गई थी, पूरा कांच का निकल गया था। स्टील के में रखती नहीं हूँ, क्योंकि स्टील में दिखता नहीं है और याद नहीं रहता कौन से डब्बे में कौन सा लिख के रखती। सोचा थोड़ा चेंज कर, ये वाला डब्बे में था, ये वाला खराब हो गया। ओ स्वीटी उठो उठो उठो, कर्टन जो स्वीटी का रूम का था दिवाली पे धोया था, बाहर जो इस्त्री का जगह है ना उसके अंदर रह गया। तो मैं बोला इस्त्री का जगह भरा भरा है, तो मंदा ने उस वहाँ पे रख दिया था, क्योंकि दिवाली के टाइम देखना इतना काम रहता ना, तभी याद नहीं रहता तो कौन कहाँ पे रह रहा है। मंदा ने सोचा था इस्त्री करने के लिए, लेकिन ये नेट का है ना, तो मैं इस्त्री करने के लिए नहीं देती हूँ। स्वीटी जगह हुआ, अरे मुंडी हिला रहे। गुड मॉर्निंग, जोर से और जोर से और जोर से, ऐसे करके उठाते हुए क्या करूँ। तोहफा के जैसा पैकिंग कर लिया, लेकिन अभी ये वहाँ पे, क्योंकि ये उठेगी तब ना। खिड़की बंद करके रखना मेरे लिए घुटा रहता है, पूरा दिन खुला रहता है, देर रात को बंद कर दे। हाँ, इसमें तो और भी दिखता नहीं है और मुझे बाहर दिखेगा इस तरह से। एक्चुअली ये सारे खिड़की बहुत पुराना स्टाइल का है, तो बस हो गया। और यहाँ पे पौधे वगैरह है छोटा छोटा 2-3, तो यहाँ पे रखती हूँ, एटलीस्ट उनको लाइट थोड़ा बहुत मिलता है। धूप तो देखो आता नहीं है, लेकिन अभी देखो इसमें क्या होता है, बाहर का दिखता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिखेगा। कि महीना में देखो कितना गंदा हुआ है। मम्मी नहा के अभी ठंडा ठंडा कोकोनट पानी की। ठंडा अंदर में ठंडा कैसे हुआ, बाहर ठंडा है। और पूजा हो गया, लेकिन ये लाइट अभी तक ठीक नहीं हुआ, क्योंकि गई थी उसके बाद ये साइज का नहीं मिला, दूसरा मैं लेके आ गई, लेकिन इसका देखो साइज ही कुछ अलग है। तो ये वाला लाइट से इसका कुछ अलग ही फिटिंग्स टाइप का है। कोशिश की यहाँ से नहीं खोल रहा, ऊपर से पूरा खोलना पड़ेगा। You and me, yeah, that's all I need. लगाने में लेट हो गया, कि नॉर्मली हर रोज नहीं होता, किसी किसी दिन ही होता है। देखो ये लाइट, इसीलिए सोचा अभी एडिटिंग करूंगी तो लगा लेते हैं। 11:30 बज चुका है, तो इस सुबह से कैसे दिन निकल जाए तो पता ही नहीं चल, बोल नहीं सकते। एडिटिंग कर रही हूँ और ये आके इसको जला के इतना लंबा था, बेचारे को नष्ट क्यों कर रहे हो तुम। तब से वो क्या करती है पता है, ये जैसे कैसे करके मेल्ट हो रहा है वो देखना है उसको, ध्यान दे के मैं बोलूं मेडिटेशन चल रहा तेरा। ये दो हैंगर में दे दूं, और ये देखो सब येलो येलो था ना, यहाँ पे दे दूंगी सूख जाए। मैं जब सुबह 6:30 बजे उठती हूँ तब अंधेरा रहता है, क्योंकि मुंबई पे थोड़ा बाद सनराइज होता है। मेरे बालकनी में एकदम भी धूप नहीं है, तो सुबह सुबह लगता है थोड़ा सा धूप आए, अच्छा लगता है। ये है आज का लंच, मेरा फेवरेट दाल खिचड़ी बॉइल्ड एग के ऊपर में ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और ये गार्लिक पापड़ रोस्टेड। मैंने तो वो सुबह का जो शांतनु के लिए बनाया था वो खिचड़ी खाया, और स्वीटी का कल का वेजिटेबल बच जाए और राइस में फिर से हर्ब्स डाली, फिर से कल उसको ये बहुत पसंद है। मैं बोला ठीक है, उसके साथ क्या लिया, ये लाल लाल चेरी टोमेटो, विटामिन सी खाना चाहिए। नहीं, बच्चों को खाना चाहिए, मेरे जैसा मत बनना, नहीं तो चश्मालू बन जाओ। सारे बच्चे वेजिटेबल्स जरूर खाना प्लीज। पहले बहुत लगता था वाओ चश्मा पहनूंगी फैशन करके, लेकिन गर्मी में मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो चश्मा पहनते हैं उनको ही पता है। शांतनु को ले आने के लिए तैयार, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, मतलब आने का मन नहीं करता, उधर भी बैठे रहो होता ना, ड्राइवर बैठे रहते उधर से लेके, क्योंकि ये आना जाना बहुत इरिटेटिंग लगता है। घर पे आओ और 2 घंटे बाद कुछ देर जैसा
स्कूल में बच्चों का कैसा लगता है, दो घंटे बाद फिर से मम्मी का पता चलता है। क्या हुआ, लगाया मेरे पैर के साथ, क्या दुश्मनी है चेयर को। ओ ठंडा पानी ले लो। सिटी का देखो वो पैर टूटा था ना, दिखाया था ना, तब से देखो ये वाला उंगली टेढ़ा ही है, टेढ़ा के टेढ़ा ही रह गया, वो ठीक नहीं है। फेवरेट फ्लावर मिला, निकलने लगा। ये वाला मिला, अरे बाबा ये फ्लावर देखते ही हो ये करने लगती है, नॉस्टैल्जिक हो जाती है। मेरा बचपन का सबसे प्यारा फूल है, बचपन का प्यार। I still recall the first time I saw you, I was so nervous to talk. पर्पल वाला निकालो ना एक अच्छा वाला, और ये वाला, ये कैसे, ये भी बिस्किट है, लूज नहीं है, मुझे ज्यादा चाहिए था। यहाँ पे इस तरह से फूल बेच रहे हैं, कैसा है दहा ना दीदी ये। और कल लास्ट मार्केट इस थर्सडे है, इसीलिए यहाँ पे सारे इस तरह से बेचते हैं, ये हर रोज नहीं रहता है। और आके फटाफट चाय बना, क्योंकि सांतनु को चाय पीना था, उसका सर भारी मेरा हो गया, दिया करना भी हो गया, 7 बज रहे, रेडी हो चुके हैं स्वीटी को रियलिटी। सांतनु आके ऑफिस का कुछ काम में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पे नए फ्रेंड्स हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। भी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।